Hello students, welcome to Adda Biology. This is Sunil Kumar, your biology faculty. Students, in this video we are going to discuss a very important topic with respect to your NEET exam. So, let's get started. Hello friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ब्लड ग्रुपिंग, और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे जो नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ब्लड ग्रुपिंग अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ABO ब्लड ग्रुप, लेविस ब्लड ग्रुप, डफी ब्लड ग्रुप, MNS ब्लड ग्रुप, ये सारे ब्लड ग्रुप है। RH भी एक फैक्टर है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुपिंग मैकेनिज्म है वो है ABO ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर। जब आप ब्लड ग्रुपिंग की बात करें बच्चों, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है समझना आपको, एक है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीजन होते क्या हैं, तो हम कहेंगे कि हमेशा प्रेजेंट हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी के सरफेस के ऊपर ये पाए जाएंगे, और आरबीसी प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं बेसिकली वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ब्लड ग्रुपिंग में आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हमारे शरीर में भी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों सेम हुआ तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 1900 में एक साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेन, जिन्होंने सबसे पहला ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया। लेकिन इन्होंने बताया A, B और O तीन टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन 1902 में उनके दो स्टूडेंट्स डिकास्टेलो और स्टोरली ने बताया कि नहीं, एक और ब्लड ग्रुप भी है जिसे हम कहते हैं AB ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से चार ब्लड ग्रुप हो गए, और 1930 में जाकर के कार्ल लैंडस्टेन और उनके स्टूडेंट्स को नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया। बच्चों, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उनका अलग भी नाम है जो नीट में पूछते हैं। तो एंटीजन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एग्लूटिनोजेन, याद रखना एंटीजन एग्लूटिनोजेन, जेन जेन साथ में आ जाएगा। एंटीबॉडी का दूसरा नाम है बच्चों एग्लूटिनिंस, और ये नीट में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर एंटीजन और एंटीबॉडी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि जो एंटीजन हम अभी यहाँ पे सीखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और बेसिकली कैपिटल ए कैपिटल बी ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो एंटीबॉडी हम लिखेंगे यहाँ पर वो लिखेंगे छोटे अल्फ़ाबेट में, स्मॉल अल्फ़ाबेट में, जो होगा स्मॉल ए और स्मॉल बी। और ये भी कहाँ प्रेजेंट हैं, तो बेसिकली ये प्रेजेंट हैं इन द प्लाज्मा, या बेसिकली आप कह सकते हो सीरम के अंदर ये प्रेजेंट हैं। जब आप ब्लड ग्रुप की बात करोगे बच्चों, तो आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना पड़ेगा कि जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है दोनों सेम नहीं हो सकते। तो चलो इसको एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मान लो ब्लड ग्रुप है ए, अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसमें एंटीजन होगा ए लेकिन एंटीबॉडी होगा बी, सेम नहीं हो सकता। जीनोटाइप क्या होगा, IA या IA स्मॉल आई, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। वैसे बी है तो एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, जीनोटाइप IB या IB स्मॉल आई। अगर AB ब्लड ग्रुप है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ए और बी, तो एंटीबॉडी एक भी नहीं होंगे और जीनोटाइप होगा IA IB। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन एक भी नहीं, एंटीबॉडी दोनों स्मॉल आई। ओ ब्लड ग्रुप को बेसिकली हम नल ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। चार फिनोटाइप ब्लड ग्रुप के लिए आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 6 जीनोटाइप है, और ये कॉन्सेप्ट है मल्टीपल अलील्स का। तो ब्लड ग्रुपिंग में मल्टीपल अलील का भी कॉन्सेप्ट आता है। जब आप ब्लड ग्रुपिंग की बात करोगे बच्चों, तो एक बात याद रखना, ब्लड ग्रुप ए मान लो हमने बना दिया RBC, ब्लड ग्रुप बी बना दिया, ब्लड ग्रुप AB बना दिया, और ब्लड ग्रुप ओ बना दिया। ब्लड ग्रुपिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीपल अलील्स को लेकर के। मल्टीपल अलील्स में आप बेसिकली ड्रोसोफिला विंग्स को भी पढ़ते हो। अब जब यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप ए बनाओगे, तो ब्लड ग्रुप ए में जो RBC है उसके सरफेस पे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एंटीजन जो है ए, ब्लड ग्रुप बी पे एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप AB पे एंटीजन ए और बी, ब्लड ग्रुप ओ पे कुछ भी नहीं होगा, और ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी,
बी में एंटीबॉडी, ए। आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं है। और जब भी ब्लड डोनेट किया जा रहा है बच्चों, हमेशा डोनर का एंटीजन देखना। रेसिपिएंट का एंटीबॉडी कुछ भी हो, हम डोनर का हमेशा एंटीजन देखेंगे, क्योंकि हम RBC देते हैं। ये एंटीजन उसके एंटीबॉडी से मैच नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो फिर क्लंपिंग हो जाता है ब्लड का, ब्लड फट जाता है, आइसोग्लूटिनेशन होता है और पेशेंट मर सकता है रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। ब्लड ग्रुप में चलो देख लेते हैं, कैन डोनेट टू कैन रिसीव फ्रॉम, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। याद रखो, देते वक्त खुद को देगा और AB को देगा, लेते वक्त खुद से लेगा O से लेगा। तो ब्लड ग्रुप A, A को देगा, AB को देगा और लेगा A और O से। B भी वही है, AB सिर्फ AB को देगा, लेकिन लेने के लिए वो AB और O सबसे लेगा। O ब्लड ग्रुप डोनेट करेगा AB, AB और O को, और O रिसीव करेगा सिर्फ O से। मतलब मैं कह सकता हूँ कि AB जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और O यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट जो फैक्टर है बच्चों, वो है RH फैक्टर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना पड़ेगा। RH जो है वो आया है रेसस मंकी से। आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है RBC के ऊपर, जो है एंटीजन D। और इसको दिया किसने, तो कार्ल लैंडस्टेनर विनर, ये दो साइंटिस्ट ने 1940 में RH फैक्टर दिया। जो RH वर्ड है वो रेसस मंकी से आया हुआ है। एक और टाइप का भी ब्लड ग्रुप होता है बच्चों, इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। महाराष्ट्र गोवा के बॉर्डर पे लोगों में पाया जाता है। ये रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। अगर RH फैक्टर की बात करेंगे बच्चों, तो आता है एंटीजन डी। अगर RBC पे एंटीजन डी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप है नेगेटिव। तो याद रखना, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। पॉजिटिव वाला हमेशा पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वाला हमेशा नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि पॉजिटिव के ब्लड ग्रुप पे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन डी, जो नेगेटिव वाले पे होता नहीं है बच्चों। ब्लड ग्रुप की अगर आप बात करोगे तो एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वाला कैन डोनेट टू कैन रिसीव फ्रॉम, पहले ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। AB ब्लड ग्रुप बच्चों याद रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है। तो ए जो है ए पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को देगा, और रिसीव करने के लिए नेगेटिव से भी ले सकता है। तो लेगा ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव से। ए नेगेटिव देने के लिए तो डोनेट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को कर सकता है। तो देगा वो ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव को, और रिसीव किससे करेगा, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से सिर्फ। बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, तो सिर्फ पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। रिसीव किससे करेगा, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव से। वहीं बी नेगेटिव बच्चों दे सकता है बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव को। रिसीव किससे करेगा, तो बी नेगेटिव, बी और ओ नेगेटिव। तो बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव से ही लेता है। AB पॉजिटिव किसको दे सकता है, सिर्फ AB पॉजिटिव को, लेकिन ले किससे सकता है, सबसे। ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। AB नेगेटिव, AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन रिसीव सिर्फ नेगेटिव से करेगा। तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, AB नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, तो सारे पॉजिटिव को डोनेट करेगा। ओ AB प्लस ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। रिसीव किससे करेगा, सिर्फ ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव से। ओ नेगेटिव की बात करोगे बच्चों, तो नेगेटिव पॉजिटिव को दे ही सकता है। तो ओ नेगेटिव सबको ब्लड डोनेट करेगा, 8 के 8 टाइप को, लेकिन रिसीव किससे करेगा, सिर्फ ओ नेगेटिव से। तो मैं कह सकता हूँ कि AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुआ और ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हुआ। जब आप एक डिसऑर्डर की बात करोगे बच्चों, तो इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसका दूसरा भी एक नाम है, इसे कहते हैं हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का मतलब क्या हो गया, एरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट होना है। एक ऐसा डिसऑर्डर जहाँ पर RBCs बेसिकली बर्स्ट आउट होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, उसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यू बॉर्न, इसे शॉर्ट में कहते हैं हम लोग HDN।
अब यहाँ पर कंडीशन हमें देखना पड़ेगा कि आरएच पॉजिटिव जो है और आरएच नेगेटिव कौन है। पॉजिटिव जो है वो हस्बैंड है और नेगेटिव जो है वो वाइफ है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव हस्बैंड और नेगेटिव वाइफ, इनमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए कंडीशन, मान लीजिए मदर का वूम्ब है और इसके अंदर एक बेबी है, और बेबी जो है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो ये एक फीटस बन गया। तो इसी के लिए बच्चों जब भी मैरिज प्रोसेस वगैरह होता है तो हम बहुत बार ब्लड ग्रुप नहीं मैच करते, जो ज़रूरी है उसे मैच करना। ये चाइल्ड मदर नेगेटिव, बच्चा पॉजिटिव। जब बच्चे का बर्थ हो रहा है तो बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से मदर के बॉडी में पॉजिटिव ब्लड आ जाता है, और आरएच पॉजिटिव ब्लड आने की वजह से मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस एंटीजन डी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। मतलब मदर की बॉडी जो है वो उसके खिलाफ, जो एंटीजन डी आया है उसके खिलाफ क्या बनाने लगती है, एंटीबॉडी। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों, जब तक वो एंटीबॉडीज़ मदर के बॉडी में बन के रेडी होंगे और उस बच्चे पे एक्ट करेंगे तब तक बच्चे का बर्थ हो चुका होता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो पहला बच्चा है उसे कोई तकलीफ नहीं होता क्योंकि बच्चा ऑलरेडी मदर के बॉडी से बाहर आ गया, लेकिन फिर भी बच्चों एंटीजन डी के खिलाफ जो एंटीबॉडी डी बना है वो अभी भी मदर के बॉडी में है। और अगर ये लेडी दोबारा प्रेग्नेंट हुई और बच्चा फिर से पॉजिटिव हुआ तभी प्रॉब्लम होगा। अगर बच्चा मान लो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का हो गया तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इन केस ऑफ सेकेंड बेबी, इफ द बेबी इज पॉजिटिव अगेन, तो ही हिमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न होगा या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होगा। तो याद रखना, प्रॉब्लम हमेशा दूसरे बच्चे को होता है और वो भी तब जब वो पॉजिटिव होगा। अगर ये प्रॉब्लम आप चाहते हो कि ना हो तो उसके लिए बेसिकली रोगम सॉल्यूशन का एक इंजेक्शन दिया जाता है जो बेसिकली सारे एंटीबॉडीज़ को जाकर के डिस्ट्रॉय कर देता है मदर के बॉडी में, और दोबारा अगर वो कंडीशन हुआ तो फिर से रोगम सॉल्यूशन का इंजेक्शन देंगे। रोगम सॉल्यूशन बना किसका है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा एंटी डी। एंटी डी एक तरह का एंटी आरएच फैक्टर है जो बेसिकली मदर को और बेबी को सेफ रखता है। इसी के लिए हम कहते हैं कि मैरिज जो है पॉजिटिव मैन और नेगेटिव वीमेन के बीच में जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, नहीं तो चांस फॉर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो किन में हम ब्लड ग्रुप के हिसाब से मैरिज अलाउ कर सकते हैं? नेगेटिव मैन, पॉजिटिव वीमेन अलाउड रहेगी, या फिर आप कह सकते हो कि नेगेटिव मैन और नेगेटिव वीमेन अलाउड है, या आप ये भी कह सकते हो पॉजिटिव मैन पॉजिटिव वीमेन ये भी अलाउड है। ब्लड ग्रुप की अगर आप बात करें बच्चों, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ब्लड, आपका दो सैंपल ब्लड निकाल के वो कैसे बता देते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप है क्या? आपने दूध को फटते हुए देखा होगा, तो वैसे ही ब्लड भी फटता है। आइसो एग्लूटिनेशन होता है, क्लंपिंग ऑफ ब्लड होता है, जिससे हमें पता चलता है। तो हम क्या करते हैं, मान लो दो बूंद आपका ब्लड निकाल लिए, एक बूंद ब्लड में आपने एंटीसेरा ए डाल दिया, दूसरे में एंटीसेरा बी डाल दिया। एंटीसेरा ए और एंटीसेरा बी और ये ब्लड ग्रुप। एंटीसेरा क्या होता है बच्चों, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगे बेसिकली जो रिएक्ट करेंगे। अगर मान लो एंटीसेरा ए डालने से ब्लड फटा और बी वाले में नहीं फटा तो ब्लड ग्रुप है ए, क्योंकि दोनों सेम हो गए। और अगर एंटीसेरा ए को कुछ नहीं हुआ, सेकेंड ब्लड फट गया, तो ब्लड ग्रुप है बी। अगर दोनों में आइसोएग्लूटिनेशन हो गया तो मैं कह सकता हूँ एंटीबॉडी ए और बी दोनों रिएक्ट किए तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। लेकिन अगर दोनों में से किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया तो आप कह सकते हो इसका ब्लड ग्रुप है ओ। तो इस तरीके से डॉक्टर स्लाइड पे दो बूंद ब्लड लेकर के पता करते हैं कि इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। क्लंपिंग ऑफ द ब्लड इंडिकेट्स द ब्लड ग्रुप, ये सबसे बड़ी बात है, जिसे हम कहते हैं आइसोएग्लूटिनेशन। क्योंकि जो एंटीसेरा आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो बच्चे, उसमें क्या है, एंटीबॉडी है। और मान लो आरबीसी है, अगर ए का आरबीसी हुआ तो उसके सरफेस पे एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी ए, दोनों रिएक्ट हो गए तो ब्लड ग्रुप हो गया ए। इस तरीके से आप ब्लड ग्रुप को ढूंढ सकते हो बच्चों। बच्चों आप इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव को ही खाली ब्लड दे रहा है, लेकिन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि बी पॉजिटिव कैन डोनेट ब्लड टू बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव,
लेकिन बी नेगेटिव जो होगा वो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, इनको भी ब्लड दे रहा है। और बेसिकली जब आप ओ पॉजिटिव की बात करोगे ये सारे पॉजिटिव को दे देगा, लेकिन अगर आप ओ नेगेटिव की बात करोगे तो ये सबको देगा, पॉजिटिव को भी ब्लड देगा और नेगेटिव को भी ब्लड देगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर है, ए बी पॉजिटिव सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड देगा, लेकिन ए बी नेगेटिव जो है बच्चों वो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को ब्लड देगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक दे दीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, दिस इज सुनील सर सेइंग गुड बाय टू यू। थैंक यू।